मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 2.5 साल की बच्ची की परिजनों द्वारा गलत दवाई देने से मौत हुई है। पूरा मामला कनाड़िया थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू की है। आपको बता दें, पूरा मामला इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के बिचोली हफ्सी का है। यहाँ के रहने वाली विद्या की तबीयत खराब थी, तो माँ ने अपने परिवार में दुकान से दवाई बुलाई और बच्ची को दे दी, जो उसके बाद बच्ची सो गई और बेसुध हुई, जो उसके बाद परिजन तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहाँ उसकी मौत हुई। कनाड़िया पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। उसे बुखार चढ़ा था रात में लड़की को, सुबह खूब अच्छी उठ पा रही थी तो खा लिया उसने, चाय पी लिया और थोड़ी सी मैंने श्याम को गोली मंगा घर ली थी, श्याम को एक नहीं दही मैंने, सुबह दही मैंने तो गोली देखे मुरवाओ सो गई लड़की, सोई तो फिर वो उठी ना आँख मूँछ के रह गई। वो पास में है दुकान, उस पास में दुकान है, मतलब बेची भैया ला के आओ हमारा लड़का, वे बोली मैंने थोड़ी सी आधी दे रही, वे बोली से आँख मूँछ के रह गई। तो फिर मैंने भैया रहते हैं नीचे, हम ऊपर रहते हैं, भैया से बोला मैं भैया चल लड़की चल कैसे कर रही है, अस्पताल ले उसने कही चल कही, तो जहाँ अस्पताल ले आया विद्या 2.5 साल की है, विदिशा जिले की है, बिचौली मर्दाना बिचौली, ऐसे ही झाड़ू पोंछे लगाने जाते हैं। अब मैंने तो नहीं देखी वो भैया ला तो मेरा लड़का नहीं रो ली लवाई। बच्ची है 2.5 वर्ष की, उसकी माताजी के साथ में रहती है, मम्मी के साथ में, बुखार आ रहा था तो बुखार में कुछ दवाई दिया होगा इन्होंने, जो भी हो वो जांच में है, कौन सी दवाई दिया है इसका भी कुछ कह नहीं सकते, और अस्पताल लाए हैं, इलाज के दौरान बता रहे हैं कि मृत्यु हो गई उसकी। अभी कुछ नहीं बता रहे, बस इतना बता रहे कि बीमार थी वो और शाम को भोजन करके सो गई थी, सुबह में तबीयत ज़्यादा खराब हुई इसलिए अस्पताल लेके आए हैं, कौन सी दवाई दी थी और कौन सी गोली दी है अभी ये जांच का विषय, ये जांच करेंगे उसके बाद बताएं क्या है। विद्या नाम बच्ची का, मृतिका का नाम विद्या, उसके पिता का नाम है जीवन। वो तो अब इनका कहना जांच करेंगे तब मालूम पड़ेगी कौन सी दवाई दी थी, गलत दवाई दी थी क्या दी। SI राम गोपाल वर्मा थाना कनाड़िया। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।